फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज जो है हम सातवीं कक्षा से संबंधित हिंदी विषय के अंतर्गत जो है पाठ संख्या 5 का अध्ययन करने वाले हैं। इस पाठ का शीर्षक है जिसकी मेहनत उसकी जीत। जो है यह एक नीति परक जो कहानी है, और इससे पहले हमने पढ़ना है जी पढ़ना है उस कविता का अध्ययन किया। उसके बाद विद्यार्थी और अध्यापक का संवाद जो हमने यहाँ पर देखा। तीसरा जो सुनो मेरी कहानी उसका अध्ययन किया, और छठा चौथा था मैं भी नाम कमाता कविता का अध्ययन किया। तो आज हम जो है जिसकी मेहनत उसकी जीत, यहाँ पर मेहनत का महत्वता बता रहे हैं इस पाठ के दौरान। मेहनत जो कोई भी व्यक्ति करता है वह सफलता की मंजिल हासिल करता है। तो यहाँ पर जो है मेहनत के बारे में इस पाठ का पहले हम उद्देश्य देखेंगे। इस पाठ के द्वारा छात्र मेहनत, अनुशासन और तथा आत्मविश्वास जैसे मूल्यों को सीख सकते हैं। यानी यहाँ पर मेहनत को देखेंगे पहले, छात्र मेहनत किस प्रकार। यदि व्यक्ति एक मेहनती है तो वह जिसे हाथ लगाए, मिट्टी को भी हाथ लगाएगा तो वह सोना बन जाएगा। यदि वही मेहनत न कर आलसी है तो वह सोने को हाथ लगाएगा तो वह मिट्टी बन जाती है। जो है मेहनत हमेशा करते रहना है। इसीलिए हमने पहला कविता में जो पढ़ा था मेहनत से नहीं डरना है, इसीलिए मेहनत हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जब हम छात्र होते हैं तो हमारा जो मेहनत जो है पढ़ाई की ओर हमारा ज़्यादा ध्यान होना चाहिए। और जो आलसी और कामचोर है वह हाथ मिलता ही रहता है। कामचोर कोई काम नहीं करता है, मेहनत ही नहीं होता है। मेहनत करने से वो हमेशा दूर ही रहता है। उसी प्रकार मेहनत हमारे जीवन में सदा होना चाहिए। इससे जो है हमें मंजिल की ओर बढ़ने के लिए अग्रसर होगी, प्रेरणा मिलेगी। और आगे जो है अनुशासन जो है जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। अनुशासन के बिना जीना, हमें अनुशासन के बिना काम करना बहुत ही मुश्किल है। अनुशासन हमें बचपन से ही सीखना है। अनुशासन यानी यहाँ पर डिसिप्लिन होता है। अनुशासन जो है जीवन में जिस व्यक्ति ने अपनाता है वह जो है जीवन में बहुत ही सफलता हासिल करता है। अनुशासन एक ऐसा है, कितने भी जो है समूह उसे अनुशासन से हम क्या कर सकते हैं, एकत्रित कर सकते हैं। अनुशासन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जैसे हमारी सेना जो है विश्व में जो है नाम कमाया है, तो इतनी भव्य सैनिक है, यह किस पर टिकी है? केवल अनुशासन पर टिकी है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारा जो विद्यालय है सैनिक स्कूल, यह एक अनुशासन के लिए ही जाना जाता है। यहाँ के जो कैडेट्स हैं बहुत ही अनुशासित रहते हैं। इसीलिए जो है अन्य स्कूलों से भी हमारा स्कूल जो है अनुशासित है, और सभी इसे पसंद करते हैं। एक गौरवपूर्ण की बात है जो अनुशासन को पालते हैं। उसी प्रकार आत्मविश्वास, ये जो है
आत्मविश्वास यानी स्वयं पर विश्वास। किसी भी कार्य करते समय व्यक्ति को आत्मविश्वास होना बहुत ही जरूरी होता है। इसके सहारे जो है सफलता प्राप्त होती है, इसके सहारे ही सफलता प्राप्त होती है। आत्मविश्वास जो है सफलता की कुंजी माना जाता है। आत्मविश्वास जो है सफलता की पूंजी माना जाता है, क्षमा कीजिए, पूंजी माना जाता है। यानी इसका मतलब यही है कि आत्मविश्वास से काम करना है, डरना नहीं है। आत्मविश्वास यदि होगा तो कोई दूसरे लोगों से या अन्य चीज़ों से डरना नहीं चाहिए। जैसे छात्र हैं तो परीक्षाओं के लिए जो है आप पढ़ाई अच्छे से करते हैं तो आपका आत्मविश्वास कहता है कि मैं अच्छे अंकों से पास हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, तो आपको आत्मविश्वास ही आगे बढ़ाएगा। आप डरते रहेंगे तो जितना लिखना है वह भी छोड़कर आ जाएंगे। इसीलिए जो है जिसकी मेहनत उसकी जीत, यानी यहाँ पर जो है मेहनत करता है तो वह हमेशा उसकी जीत ही होती है। इसीलिए इस पाठ के दौरान मेहनत, अनुशासन तथा आत्मविश्वास जैसे मूल्यों का यहाँ पर जो है सीख मिलती है। तो पाठ का अध्ययन हम करेंगे, आगे इस प्रकार है पाठ। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो है यहाँ पर एक बच्चा है और यहाँ पर चींटी जो है दाना लेकर जो लेने की प्रयास कर रही है, प्रयत्न कर रही है। तो यहाँ से जो है पाठ का प्रारंभ होता है। एक चींटी चने के दाल के टुकड़े के आसपास गोल गोल घूम रही थी। यहाँ पर देख सकते हैं चने का जो दाल के टुकड़े, देखिए जो है यह आपने देखा होगा कि जब कोई खाने की चीज़ जो मीठा हो उसका कण, छोटा सा कण यदि नीचे गिरता है ज़मीन पर, स्पर्श पर, तो वहाँ पर जो है चींटियाँ आकर उसे ले जाने के लिए प्रयास करती हैं। यहाँ पर भी जो है यहाँ पर जो चींटी है वहाँ पर दाल के टुकड़े को आसपास गोल गोल घूम रही है, यानी उसे खाना मिल गया ऐसे वह बता रही है, इशारा कर रही है, उसके इर्द गिर्द ही वह घूम रही है। तो इस लड़के का नाम है टीलू। टीलू ने पूछा, यहाँ पर जो मुख्य पात्र हैं ये टीलू और चींटी, ठीक है। टीलू ने पूछा चींटी रानी यह क्या कर रही हो। तो यह देखने के बाद वह टीलू पूछ रहा है कि चींटी रानी, यानी उससे बात कर रहा है, वार्तालाप कर रहा है, क्या कर रहा है, यह क्या कर रही हो, यहाँ पर क्या कर रही हो तुम, एक छोटे से जो दाने के पास आप क्या कर रहे हो। इस प्रकार जो है चींटी और बच्चे के साथ जो ठीलू है उसका संवाद बढ़ता जाता है, दोनों के बीच बातचीत होती जाती है। मैं इस दाल को अपने बिल तक ले जाना चाहती हूँ। बिल तक यानी जहाँ चींटी निवास करती है। इस दाना जो गिरा है, दाल का जो दाल टुकड़ा है, उसे बिल की तक ले जाना चाहती है। देखिए छोटी सी दाना है लेकिन उसके लिए यह आहार बहुत बड़ा है, बहुत दिनों तक वह खा सकती है। इसीलिए वह मेहनत करते हुए वह लेकर जाने की कोशिश कर रही है। कहकर चींटी नाचने लगी, क्योंकि उसे क्यों नाच रही है, क्योंकि उसके सामने जो है खाने का भंडार मिल गया है। वह खुश हो गई है कि इस खाने के भंडार को जब लेके जाएगी तो अपने बिल की ओर मैं आराम से खाना खा लूँगी। इसीलिए वह जो है जो दाल के टुकड़े के पास इर्द गिर्द नाचने लगी।
टीलू को कहते हुए, मैं तुम्हारे बिल तक पहुंचा दूं? तो टीलू ने हमदर्दी से पूछा। तो टीलू उस वह करती हुई प्रयास को देखकर उसे जो है उसे पूछता है चींटी को, मैं तुम्हारे बिल तक पहुंचा दूं? यानी बिल तक पहुंचाने की बात कर रहे हैं। टीलू ने हमदर्दी से पूछा, यानी भावपूर्ण से, यानी जो है सहायता से, सहानुभूति से उसे पूछने लगा। तो आगे चींटी बोली, नहीं मैं इसे खुद ले जाऊंगी। तो चींटी बोली, मैं इसे खुद ले जाऊंगी, दूसरों की मदद नहीं चाहिए। यह यहाँ पर आपको यह सीख मिलती है कि जो अपना काम खुद करना है, दूसरों पर नहीं डालना है। इसीलिए जो चींटी आपको यही कह रही है कि इस पाठ के माध्यम से अपना काम खुद करना है, दूसरों से नहीं करवाना है। तो देखिए यहाँ पर चींटी कह रही कि मैं खुद लेके जाऊंगी। यहाँ पर एक कहानी याद आती है कि एक बार तितली जो है छोटी सी, पहली बार वह अपने इस वातावरण में, संसार में देखना चाहती थी। छोटी थी, अपने पंख उसमें जो है घोंसला, यानी छोटा सा इतना घोंसले में से वह बाहर आ रही थी उसे फाड़ कर। उसी बीच एक लड़के ने क्या कर दिया, यह बाहर आते देखकर उसने वो निकलने से पहले ही उसे निकाल कर फेंक दिया। इससे क्या हो गया, जो वो तितली जो उसके पंख सशक्त नहीं हुए थे, वो घोंसले को तोड़कर, जब उसके पंख से उसे तोड़कर शक्तिपूर्ण तोड़ती तभी जाकर वो उड़ती, लेकिन वो लड़के ने जो है उसे जल्दी ही निकाल दिया। इससे उसके पंख शक्तिहीन हो गए और वह उड़ नहीं सकी। इस प्रकार इसीलिए चींटी यहाँ कह रही कि नहीं मैं इसे खुद ले जाऊंगी, यानी मेरा काम है, मैं खुद ले जाऊंगी, मेरा ये मेहनत है। आगे देखिए, अगर तुम इसे न ले जा सकी तो क्या करोगी, वह टीलू ने धीरे से पूछा। देखो आगे टीलू चुप नहीं रहा, वह कहने लगा, अगर तुम इसे न ले जा सकी तो क्या करोगी, ऐसे धीमे आवाज में उसने पूछा। विश्वास के साथ चींटी ने कहा, विश्वास यानी आत्मविश्वास जो है, अपने ऊपर आत्मविश्वास होना है, दूसरों की बातों पर नहीं आना है। वह चींटी आत्मविश्वास यानी बहुत ही धैर्यपूर्ण से कहा कि कोशिश करने पर मैं हारूंगी नहीं। यहाँ कोशिश की बात है, लगातार प्रयत्न की बात है, प्रयास की बात है। जो चींटी है उसको जो दाल का टुकड़ा मिला है वह देखने के लिए हमारे लिए छोटा है, लेकिन उसके लिए यह एक बहुत ही बड़ा धान्य का भंडार है। तो उसे लेकर जाना, मेहनत करना उसे पसंद है और वह कोशिश करने पर हारूंगी नहीं कहती है। यहाँ पर कोशिश के शब्द के ऊपर हमें गौर करेंगे तो हरिवंश राय बच्चन की एक कविता याद आती है, वो इस प्रकार है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यानी लहरों से डरकर बैठोगे तो जो नाव है वह नौका जो है पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी, देखो चींटी के बारे में ही इन्होंने कहा है कि चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार पिसलती है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना अकरता है, यानी देखिए अकरता है, यानी जो है चींटी दाने को अपने बिल तक लेके जाने के लिए दीवार को चढ़ रही है और चढ़ते समय वो 10 बार 100 बार नीचे उस दाने को गिराती है, फिर से लेकर जाती है। ठीक है, मेहनत यहाँ पर देखिए कितने बार वह प्रयास कर रहा है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यहाँ पर भी चींटी का उन्होंने, हरिवंश राय बच्चन ने उदाहरण दिया है,
तो यहाँ पर भी चींटी जो है टीलू को कह रही है। इसके माध्यम से आपको यही है कि कोशिश, प्रयत्न, प्रयास करते रहना है अपने जीवन में भी, जब तक उस विषय के बारे में पाठकों को यही, बच्चों को यही कह रहे हैं कि जब तक विषय के बारे में आपको अवगत या उसके ऊपर जो पांडित्य नहीं मिलता, आपको प्रयत्न या कोशिश करते रहना है। वह हारेगी नहीं, ऐसे कह रही है। तो आगे देखिए, तुम इतनी मेहनत करोगी, उसे प्रश्न पूछ रहा है। ठीलू ने फिर पूछा, देखिए उसे फिर से पूछ रहा है कि तुम इतनी मेहनत करोगी। ठीलू ने फिर पूछा। इस बार चींटी को गुस्सा आ गया। देखिए पहले ही वह अपने कतार में, जो आप यहाँ पर चित्र में दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पर जो ठीलू है वहाँ पर देख रहा है चींटियाँ अपने कतार में जो है अन्न को लेते हुए, जो आहार को अपने मुंह में लेते हुए एकजुट होकर जा रहे हैं। तो इसी बीच वो चींटी को बार बार पूछ रहा है कि तुम इतनी मेहनत कर सकती हो। तो चींटी को अभी गुस्सा आ गया, क्योंकि वह बार बार उसे रोक कर पूछ रहा था। इससे उसे काम में जो है दिक्कत आ रही थी। तो वह बोली, मेहनत से काम करना बहुत ही अच्छी बात है, मेहनत को अपनाना है। तो पहले जो कविता हमने पढ़ना है, उसमें भी यही कहा गया है कि मेहनत से नहीं डरना है, मेहनत करने पर आपको सफलता जरूर मिलेगी। इसीलिए वह पूछने पर कहते हैं कि मैं हारूंगी नहीं। ठीक है, क्षमा कीजिए, थोड़ा यहाँ पर जो है तकनीकी समस्या के वजह से क्षमा चाहता हूँ उसके वजह से। तो आगे देखिए, यहाँ पर उसे गुस्सा आ रहा है कि बीच बीच में उसे टोक रहा है। तो चींटी वह जो है उसे कहती है, मेहनत से काम करना बहुत अच्छी बात है, चलो अब तुम मुझे काम करने दो। देखिए जब वह अपने कतार में सभी साथियों के साथ जा रही है, बीच बीच में यह उसे पूछ रहा है तो टोक रहा है, तो वह गुस्सा हो गई और वह अपना काम करने दीजिए ऐसे कहते हैं। यदि मेहनत से काम करता है, यहाँ पर जो है चींटी के माध्यम से आपको यही कह रहे हैं कि आपको ध्यान एक की ओर ही एक जो है ध्यान केंद्रित करना है। देखिए अभी वह बीच बीच में टोक रहा है तो वह कह रही है गुस्सा होकर, अब मुझे काम करने दो, यानी आप कल जब पढ़ने बैठेंगे तो इधर उधर ध्यान न भटकाते हुए आपको केवल उसकी ओर ही ध्यान देना है। टीलू वहाँ से चुपचाप हट गया, तो उसे गुस्सा आने पर टीलू भी वहाँ से क्या कर दिया, वहाँ से निकल गया। थोड़ी देर बाद टीलू वहाँ गया। अब देखो वह चींटी वहाँ पर से, यहाँ पर देखिए चींटी जा रही है, तो वह टीलू जो है उसे गुस्सा आ गया था, इसीलिए वो वहाँ से चला गया। उसने देखा कि दाल अपनी जगह पर नहीं, ऊपर ले लो, दाल उसकी जगह नहीं थी। ठीक है, जब वह थोड़े देर के बाद वहाँ पर आता है तो वहाँ पर दाल का जो टुकड़ा है नहीं थी। कुछ दूर पर चींटियाँ कतार में एक के पीछे एक चने की दाल को घसीटे ले जा रही थी। देखिए पहले जो है एक चींटी जो है उस दाने के इर्द गिर्द घूम रही थी, गोल गोल नाच रही थी, बाद में जो है एकता में जो है बल है, ऐसे यहाँ पर आपको संदेश मिलता है। जैसे देखिए सभी कतार में आकर जो है चींटियाँ, बहुत सारे चींटियाँ कतार में आकर
उसे घसेटते हुए ले जा रहे हैं, यहाँ पर दाने को जो है घसेटते हुए ले जा रहे हैं। तब ठीलू को लगा, इनसे हमें सहयोग और अनुशासन भी सीखना चाहिए। सहयोग यानी एक दूसरे के प्रति जो सहायता का हाथ होता है उसे बढ़ाना है सहयोग। अनुशासन यानी जो यहाँ पर जो है किसी भी चींटी इधर उधर न घूमते हुए एक की ओर, एक जो पद की ओर आगे बढ़ रहे हैं, यही अनुशासन है, यही सफलता की पूंजी है। इसीलिए जो है मेहनत और अनुशासन, आत्मविश्वास यदि आपके अंदर होगा तो आप जरूर सफल होंगे। इस तरह आज हमने जिसकी मेहनत उसकी जीत इस पाठ का समग्र अध्ययन किया। हम अगले वीडियो में जो है इसके प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। इस समग्र पाठ के अध्ययन से हमें यही समझ में आता है कि हमें मेहनत करना है, अनुशासित बनना है और जो है आत्मविश्वास को बढ़ाना है। अगले वीडियो के लिए आप देखते रहिए और मैं अगले वीडियो के साथ आपको अगले विषय में आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा प्रश्नोत्तर चर्चा में। तब तक के लिए धन्यवाद।